लोकसभा चुनाव में सभी प्रत्याशियों द्वारा अपनी जीत सुनिश्चित करने को लेकर अपना पूरा दमखम दिखाते हुए अपनी खास रणनीतियों के तहत कार्य करना शुरू करने के साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के जरिए मतदाताओं के बीच अपने प्रतिद्वंदियों को नकारा साबित कर अपना सिक्का कायम करने में जुट गए। इसी बीच बक्सर लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जमकर घेरा। गौरतलब है कि राहुल गांधी द्वारा बिहार में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान ये कहा गया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव द्वारा पहले ही शो में भाजपा फ्लॉप वाले बयान पर बक्सर लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि अब उन्हें राजनीति छोड़ लाफ्टर शो में हिस्सा लेना चाहिए ताकि लोगों का कुछ मनोरंजन भी हो जाए। साथ ही तेजस्वी यादव पर भी जमकर तंज कसा। देखिए, राहुल गांधी जी खत्म करने ही की बात कर सकते हैं, कोई चीज करने की बात नहीं कर सकते हैं। जब हमारे देश के नौजवानों को प्रशिक्षित करके और राष्ट्र यज्ञ में शामिल होने का एक रास्ता आदरणीय मोदी जी ने खोला तो उस पर राहुल गांधी सियासत कर रहे थे। जब उत्तर प्रदेश में किसान धरने में बैठे थे तब राहुल गांधी सियासत कर रहे थे और कहते थे कि यूपी में जोगी जी का जमानत जब्त होगा। रिजल्ट आया तो आपको पता चल गया कि क्या हुआ। अब जब राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं तो बिहार में भाषण देते होंगे तो ये भूल गए होंगे कि बिहार में है। उनको लगता होगा कि ये ममता बनर्जी का भूमि बंगाल तो नहीं है, और इसी नाते राहुल गांधी जी के किसी बयान को सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए। वो एक बड़े क्या बोलते हैं उसको, कंपनी, जो कंपनी लोगों का इंटरटेनमेंट करती है, वो लाफ्टर शो में जाएं तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। राजनीति में उनके जैसे व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। और रही बात तेजस्वी यादव जी की कि वो कहते हैं कि पहले ही शो में फ्लॉप हो गई, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप गिनती कर लिए क्या? ये जो चारों लोकसभा में जो वोट गिरा है उसकी गिनती कर लिए क्या? अरे ये तो बूथ छापने वाले लोग हैं, इनका बूथ नहीं छप पाया और इनके ही लोग वहाँ इनको विरोध कर दिए, तो अब कहते फिर रहे हैं। आप देखिएगा, जिस दिन गिनती होगी हर बूथ से मोदी ही निकलेंगे, बाकी कोई नहीं निकलेगा।